चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो तुम्हारी ताना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो तुम्हारी ताना चाहिए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विकास करने वाला खंड विकास अधिकारी चाहिए, विकास करने वाला खंड विकास अधिकारी चाहिए। कसमंडा के नवागत बीडीओ की कार्यशैली का विरोध अभी से होने लगा है। लामबंद ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय परिसर पर धरना देकर कई आरोप लगाए और खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि नवागत बीडीओ द्वारा धन उगाही का दबाव बनाया जा रहा है। बीडीओ द्वारा जो क्लस्टर तैयार किया जा रहा है वह इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जिसने जितनी ऊंची बोली लगाई उसको वैसा आवंटन किया गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी दिनेश वर्मा द्वारा पैसा वसूला गया और उन्हीं के इशारों पर क्लस्टर का आवंटन हुआ है। एक दिवसीय धरने के बाद प्रधानों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आरपी सिंह को सौंपा। ब्लॉक संघ महामंत्री कसमंडा संतोष कुमार, प्रधान रवि प्रकाश सिंह, रामनाथ रवि कुमार मिश्रा, अजीत कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार, रीना मिश्रा, पंकज सिंह, कौशल किशोर, फूल सिंह, नीरज त्रिपाठी, सुमित्रा देवी, विनोद मौर्य, लतीफ, सर्वेश कुमार, धर्मेंद्र यादव, मोतीलाल, बीडीसी मोहनलाल, हरीश, शालू, शिव कुमारी, पंकज, गया प्रसाद, छत्रपाल, अखंड प्रताप सिंह, विनोद कुमार, सुभाष चंद्र, रामशरण, पूर्व प्रधान सत्येंद्र सिंह, छत्रपाल, रीता, अनुज कुमार सहित कई ग्राम प्रधान व बीडीसी मौजूद रहे। महामंत्री संतोष कुमार और पूर्व प्रधान सत्येंद्र सिंह ने आई इंडिया को बताया। आज क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमारे प्रधान साथी जो हैं जिनको समस्या हुई है, खंड विकास अधिकारी कसमंडा द्वारा क्लस्टर बना के भेजा गया है सीडीओ महोदय को, जिसमें कि काफ़ी खामियां हैं। और जो हमें जानकारी मिली है प्रधान साथियों या ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से, इसमें कुछ लेन देन का खेल भी हुआ है, जिन्होंने ग्राम विकास अधिकारी महोदय को खुश किया, उनको स्वैच्छिक गांव पंचायतें उनकी सुविधानुसार शुरू कर दी गई, और जो लोग खुश नहीं कर पाए उनको 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर गांव पंचायतें इशू की गई हैं। जबकि सरकार शासन की मंशा यही है कि गांव पंचायत अधिकारी, गांव विकास अधिकारी जो हों वो आसपास के गांवों को जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, 2-4-6 किलोमीटर की दूरी पर हों, उनको अलाट किया जाए, जिनसे वो आसानी से गांव पंचायत की देखभाल कर सकें, लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो भेजा गया है कागज़ सीडीओ महोदय को, जिसमें स्पष्ट है, एक दिया है जैसे कि जोड़ौरा, जो कि हंडिया के विकासखंड के दूसरे छोर पर पड़ता है, महमूदाबाद बॉर्डर, और दूसरा है दौलपुर, जो है सीतापुर ब्लॉक का बॉर्डर। इसी तरीके से एक है सरवा जलालपुर, जो कि रामपुर कला ब्लॉक के दूसरे छोर पर पड़ता है, और दूसरा है फूलपुर, ये मानपुर के पास पड़ता है। मतलब एक ब्लॉक के इस कोने पे गांव पंचायत, एक ब्लॉक के उस कोने गांव पंचायत, जो कि बड़ा ही कठिन कार्य है खंड विकास अधिकारी के लिए चला पाना, और गाँव वासियों के काम भी नहीं हो पाएंगे जब खंड विकास अधिकारी से भेंट नहीं होगी। बहुत सीधी सी बात है, और खंड विकास अधिकारी ऐसा चाहिए जो विकास खंड का विकास में सहयोग करे, प्रधानों का, कर्मचारियों का समुचित विकास हो सके गांव क्षेत्र का, विकास खंड का। ऐसा नहीं चाहिए जो कि अव्यवस्था पैदा करे, कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो। तो आप क्या चाह रहे हैं? हमारा मानना है अपनी कार्यशैली में खंड विकास अधिकारी सुधार लाएँ, अन्यथा वापस जाएँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार भार्गव। संतोष कुमार भार्गव, आपका क्या पद है? महामंत्री है। किस ब्लॉक के? कसमंडा ब्लॉक। क्या समस्या है, क्यों आप लोग आज धरने पर बैठे हैं? क्लस्टर के बारे में समस्या है। क्लस्टर जो लागू हुए हैं वो नहीं लागू हुए हैं। क्लस्टर में किसी को दिया गया है 20 किलोमीटर की दूरी पर, किसी को 30 किलोमीटर की दूरी पर दिया गया है। जो दो ग्राम पंचायतें हैं, कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे बड़ी समस्या क्लस्टर की है। जो क्लस्टर का लागू हुआ है वो उचित नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वापस किया जाए और दोबारा क्लस्टर बनाया जाए, जिससे प्रधानों को सहूलियत मिल सके। तो आज आप लोग इसीलिए धरने बैठे।
उधर प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक कसमंडा ज्योत्सना सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि ब्लॉक कसमंडा परिसर में जो धरना प्रदर्शन बीडीओ के खिलाफ किया जा रहा है उसमें प्रधान संघ कसमंडा से कोई लेना देना नहीं है। पत्र में जनक कुमारी, सरोजनी राम कुमारी, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, राम जानकी सिंह, मिथिलेश, नफीस, पवन कुमार, रूपमती आदि ने हस्ताक्षर कर सहमति जताई है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।